तो फ्रेंड्स, आज हम लोग बनाएंगे ये वेज टोस्ट, जो कि खाने में बहुत ही मज़ेदार है और जो लोग वेजिटेरियन हैं उनके लिए तो ये परफेक्ट है। तो फिर चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, मैं यहाँ पे एक कटोरी बेसन ले रही हूँ और बारीकी से कटा हुआ प्याज ले रही हूँ। ये बारीकी से कटा हुआ मैं टमाटर डाल रही हूँ, थोड़ा सा चॉप किया हुआ धनिया का पत्ता, और ये थोड़ा सा मैं हरी मिर्च डाल रही हूँ। ये आधा चम्मच में हल्दी का पाउडर डाल रही हूँ। ये नमक डाल रही हूँ स्वाद अनुसार। ये थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर डाल रही हूँ। ये कश्मीरी रेड चिली पाउडर है। तो देखिए, अब मैं इसमें पानी डाल के इसका एक घोल तैयार कर लूँगी। याद रखिए, इसको हमें ज़्यादा गाढ़ा या ज़्यादा पतला नहीं करना है। तरह से इसको अच्छे से मिला देंगे। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो ये आपके लिए पूरा बेस्ट है। अगर कुछ हल्का फुल्का खाने का मन हो तो ये आप झटपट से बना सकते हैं। तो देखिए, ये हमारा बैटर रेडी हो गया है। तो चलिए अभी इसको हम बनाते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पे ये ब्रेड के स्लाइस ले लिए हैं। अभी हम जो बैटर बनाए हैं ये ब्रेड को उसमें डिप करके हम इसको बनाएंगे। ये देखिए, मैं इसमें बटर डाल रही हूँ। आप चाहे तो ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो देखिए, ये मैंने ब्रेड ले लिए हैं। अभी इसको हम इसमें डिप करेंगे और उसको सेक देंगे। याद रखिए, ब्रेड को ज़्यादा टाइम तक इसमें नहीं रखना है। तो चलिए अभी मैं बनाती हूँ इसको। देखिए, पैन हमारा गरम हो गया है। मैं इसको आगे पीछे दोनों तरफ से अच्छे तरह से सेक लेना है। देखिए, अब इसको हम पलटी कर देंगे। अगर आपको कुछ हल्का फुल्का नाश्ते के हिसाब से खाना है तो ये आप बना सकते हैं, और इसको आप बच्चों के टिफिन में भी डाल सकते हैं। तो इसी तरह से हम दोनों तरफ से क्रंची होने तक सेकेंगे। देखिए, ये हमारा रेडी है। इसको हम अभी प्लेट में निकालेंगे। इसी तरह से हम दूसरा और एक सेकेंगे। थोड़ा सा बटर लगा देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, कि दूसरा वाला भी हमारा बन गया है। इसी तरह से हम सारे उसको अच्छी तरह से सीखेंगे। फ्रेंड्स, ये हमारा सारा बन गया है। तो चलिए अब प्लेटिंग शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा वेज टोस्ट पूरा बन करके तैयार है। तो आप लोग भी इसे घर पर जरूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि मेरा आज का ये वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आप सभी लोगों से मिलूंगी मेरे एक न्यू वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।